नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत इटौरा में इटौरा वाली मैया का विशाल प्राचीन सदियों से मेला लगता चला रहा है। यह 3 दिवसीय मेला होता है और इस मेले में जहां सर्व समाज सर्व जाति के लोग पहुंचते हैं तो वहीं मां के भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मान्यता है कि जो भी करौली मैया के दर्शनों के लिए जाता है वह इटौरा वाली मैया के दर्शनों के लिए अवश्य पहुंचता है। ऐसे में ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा यहां एक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें लोगों को जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु स्वरूप निराकार है। उन्होंने कहा कि वह हम सभी मनुष्य आत्माओं के पिता हैं, परमात्मा के ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं। जब धर्म की अति ग्लानी होती है स्वयं परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं और स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने बहनों को जानकारी दी और इस मौके पर कई बहनें उपस्थित रहीं, जैसे मुख्य रूप से बीके बहन, बीके रेखा बहन, बीके नन्नी बहन, बीके राजवीर भाई सहित सभी बहनों ने, जहाँ ग्राम प्रधान बलवीर सिंह और ग्राम पंचायत टोरा के प्रधान गौरव चौधरी का एवं पूर्व प्रधान कोठावली के चंद प्रकाश का उन्होंने माला और तिलक लगाकर स्वागत किया, तो वहीं तीनों बहनों ने सभी को बारीकी से परमपिता के विषय में जानकारी दी। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार उन्हें जानकारी दी जा रही है, तो वहीं उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाकर उनका स्वागत भी किया जा रहा है। इस मौके पर राहगीरों को, सभी राहगीरों को, भक्तों को जानकारी दी गई। तो जानते हैं हमारे ग्राम प्रधान और बहनों से कि ये किस प्रकार का कार्यक्रम था और किस प्रकार की जानकारी दी गई। आइए हमारे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। शांति, मेरा नाम बीके रेखा बहन है। हम न्यू सुरक्षा बिहार सेवा केंद्र से इधर आए हुए हैं। इटौरा में तीन दिन यहाँ मेला जोरों पर रहेगा और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से यहाँ चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। और इस चित्र प्रदर्शनी का जो आयोजन है इसके माध्यम से जो भी माता रानी के पास भक्त आ रहे हैं उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि परमपिता परमात्मा कौन है और वह कहाँ रहता है, उससे हम अपना बुद्धि योग कैसे लगाएँ। तो ये चित्र प्रदर्शनी 2 दिन यहाँ रहेगी और आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ से भगवान का सत्य परिचय लेकर जाएं। गौरव चौधरी, प्रधान ग्राम पंचायत टोरा। आज मेरी ग्राम पंचायत टोरा में ओम शांति की तरफ से एक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इसका मैंने फीता काट का शुभारम्भ किया है आज। ये इनका उद्देश्य है कि जो भी ये दर्शन अभिलाषी आज आ रहे हैं वो ओम शांति की तरफ से अपनी संदेश देना चाह रही हैं और ये कैंप 2 दिन चलेगा। ये सेंटर स्वच्छ बिहार से आए हैं। कार्यक्रम में आना हुआ, यहाँ 2 दिन मेला चलेगा और ओम शांति की बहन यहाँ मेला में आए हुए श्रद्धालुओं को ओम शांति के संदेश देंगी, प्रचार करेंगी। स्वच्छ बिहार केंद्र से आई हुई बहनों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और ये अपने इस संदेश को आम जनता तक मेले के माध्यम से पहुँचाएंगी। धन्यवाद। आज यहाँ पर हम सब ने ये ओम शांति की तरफ से ब्रह्मा कुमारी की ओर से चित्र प्रदर्शनी लगाई है, जिससे यहाँ जितने भी भाई बहन आ रहे हैं उन सबको हम ईश्वरीय संदेश देना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य आत्मा के अंदर परमात्मा का परिचय होना ज़रूरी है और हर एक आत्मा उस ईश्वरीय परमपिता परमात्मा को पहचान सके और अपना बुद्धि योग उससे लगा सके। यही हमारा लक्ष्य है कि हर एक आत्मा के अंदर में सुख शांति आ सके, यही हम चाहते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ मेरे साथ ताजनगरी आगरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित इटौरा में और यहाँ देखिए परमपिता परमात्मा का सत्य का परिचय कराने के लिए यहाँ ब्रह्म कुमारी बहनें आई हुई हैं और इसका उद्घाटन आज ग्राम प्रधान गौरव चौधरी और ग्राम के पूर्व प्रधान ककुआ बलवीर सिंह और के द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि यहाँ ब्रह्म कुमारी बहनों के द्वारा
परम प्रताप परमात्मा का सत्य का परिचय कराया जाएगा। और यहाँ राहगीरों के लिए किस प्रकार, देखिए मेला में आए हुए सभी भक्तों के लिए वो अपना किस प्रकार, देखो लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि हमारे मनुष्य के जीवन में आत्मा का परमात्मा से मिलन किस प्रकार होता है और सत्य परमात्मा ही सत्य है। इसके लिए देखिए आप देख सकते हो तस्वीरों में किस प्रकार ब्रह्म कुमारी बहनें जानकारी दे रही है सभी भक्तों को। चूप सिंह सक्सेना, आगरा।